सच पेड़ के बीच का एक तना होता है, जिसे चाहे जितना भी दबा लो वो एक दिन निकल कर बाहर आ ही जाता है। तो भाई ये बात बिल्कुल सच है कि भाई बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म दृश्यम का पार्ट टू मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया दृश्यम के पार्ट टू की ऑफिशियल रिमेक है। और भाई जैसे ही दृश्यम के पार्ट टू का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया कि भैया कुछ लोग पटाखे छोड़ने लगे इस बात को लेकर कि भाई ये फिल्म भी तो एक रीमेक फिल्म है, तो भैया इस रीमेक फिल्म को ऑडियंस का प्यार क्यों मिलेगा, अरे भाई ये फिल्म सिनेमा घर में आकर नहीं चलेगी। तो भैया ऐसे लोगों को हम एक बात समझा देना चाहते हैं कि बेटा तुम चाहे इस फिल्म के खिलाफ कितनी भी नेगेटिविटी फैला दो, भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर चलेगी भी और धमाकेदार बिजनेस भी करेगी। और भाई इस फिल्म की चर्चा तुम उस दिन करोगे जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। तो भाई मैं इस फिल्म को लेकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, चलिए मैं इसका एक वैलिड रीजन आपको बताता हूँ दृश्यम के पार्ट टू के रिव्यू के माध्यम से यानी कि ट्रेलर के रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज एंसन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि अजय देवगन की ये फिल्म यानी कि दृश्यम का पार्ट टू मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि दृश्यम के पार्ट टू की ऑफिशियल रिमेक है, जिसमें मोहन लाल जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए थे। और भाई वो फिल्म जो थी ना भैया सिनेमा घरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पे भैया मलयालम लैंग्वेज के माध्यम से रिलीज की गई थी, यानी कि भैया उस फिल्म के साथ में इंग्लिश वाला सबटाइटल देखने को तो मिला था लेकिन हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से वो फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे या फिर कहे भैया किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी भी रिलीज नहीं की गई है। इसी बात का एडवांटेज इस फिल्म को सबसे पहले मिलने वाला है, यानी कि भैया जिन लोगों ने भी इस फिल्म को मलयालम लैंग्वेज के माध्यम से अगर देखा है उसमें से मैं भी एक हूँ, तो भैया इस फिल्म की कहानी को वो समझ सकते हैं कि भैया फिल्म की कहानी में क्या दिखाया जा रहा है। लेकिन भैया फिल्म का ट्रीटमेंट क्या है, फिल्म के डायलॉग्स क्या हैं, फिल्म के सीन को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इसको आप तभी समझ पाओगे जब इस फिल्म को आप हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से देख पाओगे, क्योंकि भैया ये बात मैं हिंदी भाषी लोगों के लिए कर रहा हूँ। और भाई इस फिल्म के साथ यही एडवांटेज है कि भैया ये फिल्म अभी तक हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से नहीं रिलीज की गई है और भाई इसी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर धमाकेदार बिजनेस करने वाली है। तो दोस्तों ये तो बात मैंने आप लोगों को बता दी कि क्यों दृश्यम का पार्ट टू बॉक्स ऑफिस पर आकर धमाकेदार बिजनेस करेगी। अब इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो कारण है भैया इस फिल्म के तीन दिग्गज कलाकारों का जबरदस्त परफॉर्मेंस, यानी कि भैया ट्रेलर की शुरुआत जिस तरह से हो रही है और भाई ट्रेलर की शुरुआत में जिस तरह से अजय देवगन अपना परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं उसको देखने के बाद भैया ये बात पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है कि अपने इंटेंस एक्टिंग के माध्यम से अजय देवगन भैया लोगों के दिलों को जीतेंगे। और उसके बाद भाई अपने अंडर प्ले वाले परफॉर्मेंस के माध्यम से इस बार अक्षय खन्ना अजय देवगन का पसीना निकालने वाले हैं। और उसके बाद भैया पूरी तैयारियों के साथ वापसी कर रही तबू भैया अजय देवगन के रास्ते में एक से बढ़कर एक रोड़े अटकाने वाली है, यानी कि भैया इस ट्रेलर के माध्यम से एक बात साफ हो रही है कि भाई पुलिस विभाग में कभी भी कोई केस क्लोज नहीं होता है, वो फाइलों में दब जाता है। जिस दिन पुलिस को किसी भी दबे हुए केस का कोई भी क्लू मिलता है उसी दिन वो केस फिर से एक बार रीओपन हो जाता है, यानी कि भैया केस अपराध कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसे कुछ दिनों के लिए दबाया जा सकता है षड्यंत्र के माध्यम से। यानी कि भैया अभी तक जिस चतुराई से अजय देवगन ने पुलिस को ये एहसास करा दिया है कि भैया उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, जो भी अपराध फर्स्ट पार्ट में हुआ था वो पुलिस की गलतफहमी है, लेकिन भाई पुलिस जो है वो अजय देवगन के फैमिली का पीछा लगातार कर रही है और उस क्लू की तलाश में है कि जिसके माध्यम से वो एक बार फिर से अजय देवगन के फैमिली को अपने शिकंजे में ले पाए। और यही बात इस ट्रेलर में हमें देखने को मिल रही है। और भाई इस बार पुलिस की तैयारी जिस तरह की है उसको देखने के बाद ये बात साफ हो रही है कि भैया इस बार अजय देवगन की मुश्किलें, उनके परिवार की मुश्किलें और भाई उनका जो रहस्य है
वो खुलकर आ जाएगा पूरी तरह से जनता के सामने। यानी कि भैया तबू एक तरफ समझाती नजर आ रही हैं अक्षय खन्ना को कि भाई उसे संभलने का मौका मत देना, उसे चाल चलने का मौका मत देना, वो बहुत ही चतुर है। और यहाँ पर अक्षय खन्ना भी तबू को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वो किसी भी केस को हाथ में लेने से पहले वो अपराधी को पूरी तरह से जज करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसको समझते हैं, उसकी चाल को समझते हैं, देन वो उसके बाद कोई स्टेप उठाते हैं। यानी कि भैया इस बार तीन दिग्गज आपस में एक दूसरे के साथ में शतरंज खेलते नजर आएंगे। भैया एक होगा अपराधी, एक होगा अपराध को पकड़ने वाला और एक होगा अपराध को दबाने वाला। तो भाई कौन इसमें बाजी मारेगा, ये बात तो आपको तब समझ में आएगी जब आप इस फिल्म को देखोगे सिनेमा घरों में, जो कि भैया रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का मेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, फिल्म की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। यानी कि भैया इस बार आपको दृश्यम के पार्ट वन से ज़्यादा मज़ा मिलने वाला है मेरे भाई। यानी कि दृश्यम के पार्ट वन में तो आप लोग ये बात जानते होंगे कि भैया अजय देवगन ने तबू के बेटे की लाश को कहाँ छुपाई थी। तो भाई क्या उस लाश को उन्होंने वहीं छुपाया था या फिर कहानी कहीं और घुमा दी है अजय देवगन ने। तो दोस्तों ट्रेलर बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है और भैया इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया इधर उधर की बातों पर ध्यान मत देना। कुछ लोग आएंगे आपको ये समझाएंगे कि भैया ये फिल्म एक रीमेक फिल्म है, आप इस फिल्म को देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म पे मलयालम लैंग्वेज के माध्यम से। तो भैया उस लैंग्वेज में इस फिल्म को अब मत देखना, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो, क्योंकि भैया इस फिल्म के माध्यम से अजय देवगन आपको एक बार फिर से दृश्यम के पार्ट वन वाला भैया परफॉर्मेंस दिखाते नजर आएंगे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।